दोस्तों राहुल द्रविड़ ने घोषित करी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऋषभ पंत सहित तीन दिग्गज खिलाड़ियों की छुट्टी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाएगा। तीसरे वनडे मैच के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। आखिरकार ऋषभ पंत सहित कौन से तीन दिग्गज खिलाड़ियों की इस मैच से छुट्टी हुई है, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अब तक टीम इंडिया के पक्ष में रही है, जहाँ इस वनडे सीरीज की शुरुआती दो मुकाबले जीत कर भारतीय टीम ने इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है और तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया एक बार फिर से जीत हासिल करके इस सीरीज में क्लीन स्वीप लगाना चाहेगी। वहीं दोस्तों भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले में बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज पर अपना कब्जा जमा चुकी है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया में कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमों के बीच क्रिकेट में हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक दोनों ही टीमों के बीच 135 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 66 मुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं पर 63 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत हासिल की है। इन आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही टीमों का पलड़ा लगभग बराबर नजर आता है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों की माने तो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज पर हावी होते हुए नजर आई है। अब तक वनडे सीरीज के दो मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिए हैं। वहीं दोस्तों तीसरा मैच भी टीम इंडिया अपनी झोली में डालना चाहेगी। तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में तीन बड़े बदलाव होने की संभावना है। हाल ही में रोहित शर्मा ने अपने एक बयान में एक विस्फोटक ओपनर की वापसी के बारे में बताया है, जो कि तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकता है। इसके अलावा एक अन्य बेहतरीन खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और एक तूफानी तेज गेंदबाज का डेब्यू भी हमें देखने को मिल सकता है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच यह तीसरा वनडे मुकाबला 11 फरवरी शुक्रवार के दिन खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और वेस्ट इंडीज दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी या फिर नहीं, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं तीसरे वनडे मुकाबले के लिए राहुल द्रविड़ के मुताबिक टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और भारतीय टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों नंबर एक की बात की जाए तो नंबर एक पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे हैं। अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा ने यह मौजूदा वनडे सीरीज टीम इंडिया को जिता दी है। तीसरा मैच भी रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिताना चाहेंगे। कप्तानी के साथ साथ तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा अपने बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं। मौजूदा सीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा से एक शानदार अर्धशतक देखने को मिला था। नंबर दो पर रोहित शर्मा के साथ ओपनर बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन को मौका मिल सकता है। हाल ही में रोहित शर्मा ने अपने बयान में शिखर धवन को तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया में वापसी की बात कही थी। इससे पहले मौजूदा सीरीज के शुरुआती दो वनडे मुकाबलों में भी टीम इंडिया को दो अलग अलग ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरना पड़ा था। अब तीसरे मैच में रोहित और शिखर धवन की नई ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर उतर सकती है और इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी वनडे क्रिकेट में काफी सफल नजर आती है। इसके अलावा आप सभी को नंबर तीन पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब तक मौजूदा वनडे सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। जहां अब तक सीरीज के दो मैचों में विराट कोहली ने मात्र 26 रन बनाए हैं, अब तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। नंबर चार पर केएल राहुल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल को नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की पारी खेली थी। इनके बल्ले से दो गगनचुंबी छक्के भी देखने को मिले थे। अब तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से केएल राहुल नंबर चार पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं और तीसरे वनडे मैच में ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से बाहर किए जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में केएल राहुल विकेट कीपिंग का बल जिम्मा संभालते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नंबर पांच पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वनडे फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दूसरे वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाते हुए 64 रनों की पारी खेली थी, जिसके बदौलत भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में काफी मदद मिली थी। सूर्य कुमार यादव ने अब तक वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद 6 मैचों में लगातार 6 पारियों में 30 से अधिक रन बनाए हैं। ऐसा करने वाले सूर्य कुमार यादव पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। नंबर 6 पर ऑलराउंडर दीपक हुड़ा को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। मौजूदा वनडे सीरीज में दीपक हुड़ा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते हुए काफी लाजवाब
लाजवाब प्रदर्शन किया है। जहां अब तक इस सीरीज के दौरान दो मैचों में बल्लेबाजी करते हुए दीपक हुड्डा ने 55 रनों का अहम योगदान दिया है। गेंदबाजी में दीपक हुड्डा ने 4 ओवर में 24 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया है। इसके अलावा नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। अब तक इस वनडे सीरीज में वाशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा है। जहां दूसरे वनडे मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी करते हुए 24 रनों का योगदान दिया था, तो वहीं पर गेंदबाजी में वाशिंगटन सुंदर ने अब तक सीरीज में 4 विकेट हासिल किए हैं। नंबर 8 पर युजवेंद्र चहल के स्थान पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक इस वनडे सीरीज में युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी काफी लाजवाब रही थी, लेकिन वनडे सीरीज में जीत मिलने की वजह से युजवेंद्र चहल के स्थान पर कुलदीप यादव को मौका देकर फरका जा सकता है। अब तक कुलदीप यादव वनडे क्रिकेट में 65 मैचों में 107 विकेट हासिल कर चुके हैं। नंबर 9 पर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब तक मौजूदा वनडे सीरीज में शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। शार्दुल ठाकुर ने 2 मैचों में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए हैं। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा नंबर 10 पर आप सभी को प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे वनडे मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा 3 मेडन ओवर भी फेंके थे। अब तक मौजूदा वनडे सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे अधिक 6 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज के स्थान पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोहम्मद सिराज अब तक इस सीरीज के 2 मैचों में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पाए हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज के स्थान पर तीसरे वनडे मैच में आवेश खान को शामिल किया जा सकता है, जिसके साथ ही आवेश खान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमें डेब्यू भी देखने को मिल सकता है। इस युवा गेंदबाज ने आईपीएल 2021 में बेहद ही गजब की गेंदबाजी की थी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। कुछ इस तरह से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।